जी न्यूज के शो 5W1H में आपका स्वागत है। इस शो में सिर्फ खबरें हैं, खबरों के सिवा कुछ नहीं, यानी कि खबरों का सबसे भरोसेमंद अंदाज। कर्नाटक में चुनाव करीब आते ही वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है। सिद्धारमैया ने तो संघ के कार्यकर्ताओं को आतंकी तक कह दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि संघ और बजरंग दल में हिंदू आतंकवादी हैं। बेंगलुरु में अमित शाह पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने ये बात कही। कर्नाटक में चुनाव की तैयारियों के बीच सिद्धारमैया ने बीजेपी पर हमला किया। सिद्धारमैया 2013 से कर्नाटक के सीएम हैं और कर्नाटक में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अमित शाह ने चित्रदुर्ग की परिवर्तन रैली में सिद्धारमैया सरकार को हिंदू विरोधी बताया था। संघ और बजरंग दल पर हमले से मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर झुकेंगे, सिद्धारमैया की यही कोशिश है। और नाने जो हिंदुत्व उग्रवादी अंत बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सिद्धारमैया संघ और बजरंग दल पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, संघ को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। कोई मुख्यमंत्री अगर प्रमाण पत्र कुछ कहने लगे तो हम उसको कोई रिएक्शन भी नहीं करना चाहते। क्या इंटेलिजेंस इनपुट मुख्यमंत्री को मिला है? अगर कुछ मिला है, अगर उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद में दम है। एक तरफ देश के शूरवीर जान पर खेलकर आतंक से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो आतंकवादियों से हमदर्दी जता रहे हैं, उन्हें शहीद बता रहे हैं। पीडीपी विधायक ने आतंकियों को शहीद बताया, कहा उनका मरना हमारी विफलता है। जम्मू में विधानसभा के बाहर एजाज अहमद मीर ने कहा कि आतंकी हमारे भाई हैं। एजाज ने आज सुबह यह विवादित बयान दिया, कहा आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए, वो अपने ही हैं। एजाज मीर शोपिया के वाची से पहली बार विधायक चुने गए हैं, उनके घर पर आतंकी हमला भी हो चुका है। 15 फरवरी से पंचायत चुनाव है, आतंक का गढ़ माने जाने वाले शोपिया में वोट बटोरने के लिए मीर ने विवादित बयान दिया है। एजाज मीर ने हुर्रियत नेताओं और आतंकियों से बात करने की वकालत की, कहा कश्मीर का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। वो हमारे अपने बच्चे हैं जो इसमें मर रहे हैं, कई पैलेट से कई गोलियां चलती है, तो इससे आखिर में हमें मिलेगा क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कश्मीर के हैं, जो कश्मीर के हैं, चाहे किसी भी हालत में मरते हैं, वो मार्टियर हैं। एजाज मीर के बयान पर घमासान मच गया है। पीडीपी बयान से किनारा कर रही है, विपक्ष बीजेपी से जवाब मांग रहा है। पीडीपी विधायक एजाज मीर के बयान का विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि आतंकी दुश्मन है। विधायक एजाज मीर के बयान पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। एजाज मीर ने आज सुबह बयान दिया, विधानसभा में विपक्ष ने कहा कि ये पीडीपी का दोहरा रवैया है। एजाज मीर के बहाने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को भी घेरा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार चल रही है, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गठबंधन तोड़े। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंकी कश्मीर के दुश्मन हैं, वो भाई कैसे हो सकते हैं? जो लोग जो है वो तो जम्मू एंड कश्मीर के दुश्मन हो, जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के दुश्मन हो, वो कैसे किसी के भाई हो सकते हैं? They are killing militants on other side. They are saying that we will participate in their funerals. They are spokesman told. So these are double standards. तो भाजपा और पीडीपी की जो पॉलिसी है वो कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में एक बात करते हैं, ये गुमराह करने की बात है, मिसलीड कर रहे हैं पूरे देश को। Clear yesterday by the chief minister. We hold dialogue and we don't believe in killing people if we can bring them back. 2019 के चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार कर लिया है। सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती से 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन तक रक्तदान शिविर चलाया जाएगा। पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए 25 जनवरी से 10 फरवरी तक मिलेनियम वोटर अभियान चलाएगी। 2019 के लिए बीजेपी ने 350+ का टारगेट तय किया है। युवाओं को विवेकानंद और दलितों को अम्बेडकर के नाम पर पार्टी से जोड़ा जाएगा।
मोबाइल ऐप के जरिए नए वोटरों को जोड़ा जाएगा। स्कूल कॉलेज में खासतौर पर अभियान चलाया जाएगा। यह आयोजन है जिसमें देश के युवा इकट्ठे होकर अपनी सोच को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि युवा किस तरह से देश के विकास में भागीदार बन सके, उस विषयों पर चर्चा होगी देश के इकोनॉमिस्टों के साथ, देश के अन्य और लोगों के साथ। 2019 के फाइनल मैच से पहले बीजेपी 2018 का सेमीफाइनल जीतने की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी आज बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। आज शाम को बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। बैठक में अमित शाह, पार्टी महासचिव, बड़े पदाधिकारी और जिन राज्यों में इस साल चुनाव है उनके प्रभारी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और सरकार की योजनाओं की प्रगति पर बातचीत होगी। पीएम मोदी बीजेपी नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में चुनाव है। कर्नाटक समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर बीजेपी का ज्यादा जोर है। इनको जरूरत है बताने के लिए कि हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे, हमारा नेतृत्व तो यही है, ये सब बताने का कोई जरूरत। इस बार लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब आपसे जुड़ी बेहद अहम खबर। आधार से आपकी निजी जानकारी लीक होने के आरोप लग रहे थे, इसलिए सरकार ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। जल्द ही आपको आधार कार्ड का वर्चुअल नंबर मिलेगा। वर्चुअल नंबर 16 अंकों का होगा। वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए वर्चुअल आधार नंबर का इस्तेमाल होगा। वर्चुअल नंबर 1 मार्च से जनरेट होगा। 1 जून से नंबर मान्य होगा। वर्चुअल नंबर सिर्फ आधार कार्ड धारक ही जनरेट कर सकता है। आधार को सुरक्षित बनाने के लिए वर्चुअल नंबर के इस्तेमाल का फैसला हुआ है। वर्चुअल नंबर की नकल नहीं की जा सकती है, इससे आपकी निजी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। वर्चुअल आईडी से फोन कंपनियां या बैंकों को आपके नाम, पता और फोटो की सीमित जानकारी ही मिलेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आधार नंबर के जरिए जासूसी कराने का आरोप लगाया है। जिस मंशा से आधार का आविष्कार किया गया था और जिस मंशा से आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग। Then that means they have accepted that there is an identity theft. But whether this will be sufficient or not, I don't know. We have to examine it. It only came yesterday. यूपी के बाराबंकी से एक बुरी खबर है। 9 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लीपा पोती में लगा है। संदिग्ध हालत में 9 लोगों की मौत हो गई। घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के 4 गांवों में हुई। मंगलवार को कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उन्हें बाराबंकी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 40 साल के बीच है। मृतकों के परिवार का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई। आबकारी विभाग ठंड को मौत की वजह बता रहा है। डॉक्टर के मुताबिक मृतकों के शरीर में स्पिरिट एल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो मौत की वजह हो सकती है। प्रशासन शराब से 3 लोगों की मौत की बात मान रहा है। मौत कैसे हुई, इसके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके पश्चात कोई निश्चयात्मक टिप्पणी जो होती है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। उनके परिवार वालों से भी बात किया गया, अनुदान से भी बात किया गया, अनुदान भी लिए गए। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। वहाँ से फोन आया कि 5 बजे से इसकी पलटी हो रही है। देवा अस्पताल में लाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हिमाचल की बेटी के गुनहगार को उस समय की वीरभद्र सरकार पर बचाने के आरोप लगे हैं। वीरभद्र सिंह को जवाब देना होगा। शिमला में गुड़िया रेप और मर्डर मामले में पिछली कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा, पिछली सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। गुड़िया हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। आईजी, एसपी समेत 9 पुलिसकर्मी गुड़िया रेप और मर्डर केस में हिरासत में हैं। गुड़िया रेप और मर्डर मामले में कई रसूखदार लोगों के शामिल होने का शक है। जांच के लिए सीबीआई को बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली।
सीबीआई ने दावा किया है कि इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। टेलीफोन का बिल था उसका, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने उस टाइम देन गवर्नमेंट ने अभी तक पे नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें ना इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी, ना फैक्स फैसिलिटी अवेलेबल थी, ना कोई और फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल थी। तो कोर्ट ने कहा है कि वे दिल प्रोवाइड अस। एक वक्त था जब यूपी में सफाई महोत्सव की धूम होती थी, अब सत्ता बदल गई है, महोत्सव का नया ठिकाना गोरखपुर है। यूपी के गोरखपुर में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रहा है, सैफई महोत्सव से इसकी तुलना हो रही है। आज दोपहर को महोत्सव की शुरुआत हुई, कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसमें शंकर महादेवन, शान, अनुराधा पौडवाल, रवि किशन जैसे कलाकार शामिल होंगे। पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी यूपी में ये अपनी तरह का पहला महोत्सव है। महोत्सव में बॉलीवुड कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महोत्सव हो रहा है तो सैफई से अच्छा होना चाहिए। कल और आखिरी दिन सीएम योगी यहां मौजूद रहेंगे। देखिए, महोत्सव हो, खुशी का आयोजन हो, लोगों का मिलने का एक मौका मिले, मेले हो, एग्जीबिशन हो, इसके तो पक्षधर हम लोग हैं। दिल्ली एनसीआर के एक और अस्पताल पर सवाल उठे हैं। रोजाना करीब 1 लाख रुपए ऐंठने के बाद भी मरीज की जान चली। 20 दिन के इलाज के बदले अस्पताल ने 18 लाख रुपए का बिल दिया। फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। 13 दिसंबर 2017 को महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। 20 साल की श्वेता को जब एशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वो 7 महीने के गर्भ से थी। बुखार होने की वजह से श्वेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि पैसे देने में देरी की वजह से ऑपरेशन में देरी हुई, जिसकी वजह से ही श्वेता की मौत हो गई। अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा है कि श्वेता के शरीर के कई हिस्से काम नहीं कर रहे थे। नॉर्मल डिलीवरी में 8 फटने का मतलब क्या, मतलब कि अब जो हो गया सो गया, बच्ची मरी हुई हुई पैदा हुई थी। हमको बताए गए वो दिन में कि बच्ची ठीक है, बच्ची ठीक है, बच्ची ठीक है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने उसको देखा तो उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, उसको सीधा आईसीयू में लिया गया। इट इज सैड एंड कि पेशेंट को हम नहीं बचा पाए। अमेरिका में कीचड़ ने कहर मचा दिया है। लोग कह रहे हैं कि तबाही की तस्वीरों ने वर्ल्ड वॉर की याद दिला दी। अमेरिका में प्राकृतिक आपदा से 17 लोगों की मौत हो गई, 13 लापता हैं, 28 लोग घायल हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया और सांता बारबरा काउंटी में भारी तबाही हुई है। 9 जनवरी को बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, अब हर तरफ कीचड़ है। 100 से ज्यादा घर, कई बिल्डिंग, होटल तबाह हो गए हैं। जंगलों में आग लगने से जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम हो गई, बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। खोजे कुत्ते हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 500 से ज्यादा बचाव कर्मी जुटे हैं। 2 दिन तक लगातार बारिश से घरों तक में कीचड़ हो गई, लोग अब मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं, कई जगह तो कमर तक कीचड़ हो गई थी। सड़कों पर कीचड़ होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया एक पाकिस्तानी बच्ची के लिए आंसू बहा रही है। पाकिस्तान में बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब प्रांत के कसूर में वारदात हुई, विरोध में लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बच्ची शनिवार को लापता हुई, मंगलवार को कूड़े में शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। 7 साल की जैनब ट्यूशन जा रही थी तभी उसका अपहरण हुआ, माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। कसूर जिले में पिछले 1 साल में 12 बच्चियों की रेप के बाद हत्या हुई। जैनब सीसीटीवी में एक लड़के के साथ जाती दिखी, पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी है। 95 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में जैनब के लिए इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। मैंने क्या बताना है, मैंने तो इंसाफ लेना है, इंसाफ मेरे पास
रही, मैंने क्या बताना है। हम वहाँ मदीने में थे, मक्के से मैं थे, कोई मतलब पुलिस का खतर खा तमन हाथ नहीं रहा। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुताबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सबकी संगी होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी सो मोटे एक्शन लें।